प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। अब तक 81 बार देशवासियों को संबोधित कर चुके हैं मोदी। 100 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेटेड कर देश की ऐतिहासिक सफलता पर कर सकते हैं बात। पीएम मोदी के साथ वैक्सीन निर्माताओं से भी बातचीत। रिसर्च आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला रहे मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन आज। जम्मू में कई विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। दोपहर 1:15 बजे जम्मू के जीडीए ग्राउंड में होगा कार्यक्रम। अमित शाह आज जम्मू के लोगों को देंगे बड़ी सौगात। रिसर्च सेंटर का करेंगे उद्घाटन। अगले फेज के रिसर्च सेंटर के लिए रखेंगे आधारशिला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 1945 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। अमरावती में होगा कार्यक्रम। 255 किलोमीटर की लंबाई का होगा हाईवे। यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी का तूफानी दौरा। आज भदोही, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर में रहेंगे योगी आदित्यनाथ। विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। सीएम योगी की भदोही और गोरखपुर में आज रैली। भदोही के राजकीय इंटर कॉलेज में करेंगे जनसभा। 373 करोड़ की 74 विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच यूपी के सिद्धार्थनगर में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री के होने वाले कार्यक्रम के लिए तैयारियों का लेंगे जायजा। सीएम योगी गोरखपुर को पहली मल्टी लेवल पार्किंग की देंगे सौगात। 142 करोड़ लागत वाला 14 परियोजनाओं का भी करेंगे लोकार्पण। आज दोपहर 3 बजे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय पहुंचेंगे सीएम योगी। जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय इलेक्शन कमेटी की हुई बैठक। यूपी की करीब 50 सीटों पर तय किए गए उम्मीदवार। औपचारिक घोषणा बाकी। नागपुर में आज होगा वैश्विक धर्म सम्मेलन। स्वामी रामदेव, श्री श्री रविशंकर करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहेंगे मौजूद। पुलिस रिमांड के बीच लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को हुआ डेंगू। आज शाम 5 बजे खत्म होने वाली है पुलिस रिमांड। आशीष मिश्रा की आज कोर्ट में हो सकती है पेशी। पुलिस रिमांड खत्म होने से पहले ही जेल से अस्पताल में कराया गया शिफ्ट। आर्यन खान के बैंक खातों की एनसीबी कर रही है जांच। अनन्या पांडे का लैपटॉप और मोबाइल फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया। असम के एक शख्स ने भगवान गणेश की प्राचीन मूर्ति पर पैर के साथ तस्वीर साझा की, किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में इवेंट मैनेजमेंट की युवती की हत्या के विरोध में परिवार ने कैंडल मार्च निकाला। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। बुराड़ी में युवक ने पत्नी की हत्या की। शराब पीने पर डांटने से नाराज पति ने पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या की। जोधपुर में पटवारी परीक्षा का पेपर लीक कराने के नाम पर धोखाधड़ी। एक महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार। मुंबई से सटे ठाणे में ड्रग्स लेने के मामले में 140 लोग गिरफ्तार। एंटी ड्रग्स ड्राइव में पकड़े गए। करवा चौथ पर बाजार गुलजार। दिल्ली के सरोजनी मार्केट में भीड़ लोगों की जुटी। T20 वर्ल्ड कप के भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले को लेकर उत्सुकता। मैच से पहले आज दोनों टीमों का जोश है। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप के भारत में पलड़ा भारी। भारत के खिलाफ विश्व कप मुकाबलों में पाकिस्तान को एक भी बार जीत नसीब नहीं हुई। वाराणसी में टीम इंडिया की जीत के लिए लोगों ने ली गंगा आरती। 111 लीटर दूध से माँ गंगा का स्नान कराया, गंगा आरती की। दिल्ली के रेस्टोरेंट ने भारत पाक मैच देखने वालों को दिया खास ऑफर। रेस्टोरेंट में मैच दिखाने पर देखने पर मिलेगा डिस्काउंट। भारत पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में पहले दुआओं का दौर जारी। बंगलुरु में क्रिकेट फैंस ने टीम इंडिया के लिए हवन पूजन किया ताकि जीत प्राप्त हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।